हमको गुस्सा ऐसे नहीं भरा हुआ, हमको गुस्सा भराने का काम किया गया। ये हमारे चैनल एक्टर समीर चौधरी यूट्यूब पे हमारी रिपोर्ट मारे, समीर चौधरी हमको रेल दिया है, गाना गाई थी हमारा पे, समीर बाबू ये गाना आप खातिर, भेलपुड़िया भाजी वो गाना तोरे खातिर, आ जिला नवादा पटनवा में प्रचार हो गए भाजी, आ तोरा घर से घींच के दांत झाड़ दे, तू कल याद रखी नहीं, सब ढोंग ढांग है, आ कटहर जो है सब लुच्चा है, कटहर से अच्छा हमारा से केला ले ले, सिंगापुरिया केला हो बड़का वाला, बोल में दुतार जर्दन दे दे, बेचे अपनो खाई है, मौगी के ज्यादा खिलाना, क्या सब भड़ुआ गिरी कर रहे लोग, समाज को गलत संदेश दे रहा है। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं समीर चौधरी, जो कि एक समय था कि गोरखपुरिया भौजी को काफी ये जो है ना कई तरीके का वीडियो बनाए थे, कई तरीके का विवाद था, उसपे ये गाना भी गाए थे, लेकिन गोरखपुरिया भौजी का लेकर के आजकल देखिए गाना तो गोरखपुर में मतलब विवाद शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग उनपे वीडियो बना रहे हैं, अनेक तरह का से आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि ये जो है ना उनका वीडियो नहीं चल रहा है, इसलिए वो मतलब कि व्यूज का खेल खेल रही है, पति को बता रही है कि किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो उनको रशियन चाहिए, नाना प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं, वो सारे मैटर में बात करने के लिए हमारे साथ समीर चौधरी जी है, बात करेंगे कि मतलब कि कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, जिस तरीके से अभी गोरखपुरिया भौजी का चल रहा है कि वो बता रही कि मेरे पति रशियन से मतलब कि बात कर रहे हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, कभी मारने लग जाते हैं, वो बताते हैं कि हम वीडियो इसको मना कर रहे हैं कि मत बनाइए, तब भी बना रही है, उनको टेंशन हो रहा है मेरा घर बर्बाद है, कैसे देखते हैं क्या कहना है। सबसे पहले तो वाह गोरखपुरिया वाह, भेलपुरिया दिल जीत लेनी तू बाबू, तोरा नियन धरती पे बेसिया के कमी नहीं है, तोर दुल्हा खोज रहा है रसिया आ तू है बेसिया, समीर चौधरी के न तोरा रेलैया न तोरा देख रहा है, इसको समझ में नहीं आया बाबा, पिछली बार जब रेले थे इसको, इसको जेल जाए के नौबत आ गया था, क्योंकि जो नौटंकी मालती कर रही थी, आज के डेट में लोग के लगा था कि मालती मरेगी, मैंने हल्ला उड़ गलो मालती मर गलो मालती मर गलो, लोग तो विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि यही मालती है यही लौंडा था जो कि जीप झूठ मूठ के ही लोग प्रोपोगंडा चलाता था लड़ाई के नाम पे, अभी जैसे कि गोरखपुरिया का जैसे दुल्हा कह रही है कि रसिया चाहिए तो ये चाहिए तुम मांगता है मीट पर, अरे लौंडा जब मारता है भड़ुआ, इसको तो महादेव बोले में भी हमको लगता है कि सावन के समय में ही भड़ुआ कैसा नाम रख लिया, तो आज के डेट में ये जो रसिया का जो बात चल रहा है, जो मारा है अपनी बीवी को ये बेसिया को, तब मार उसे थोड़ी होता, मार के मैंने झोंटा उठा उखाड़ ले ली, कान उन फोड़ फाड़ ले, आंख फोड़ दे ली, अरे हम रहते जड़ तक गाते हैं तो समझ में आ जाता, बिना मतलब के बाबा झूठ मूठ के, अभी जैसे चंदा गोरखपुरिया कोई है ही लोग काहे नहीं लोग गलत वीडियो बनाता है, भैया समाज में सभ्य असभ्य दोनों है, राक्षस और देवता दोनों है, तो आज के डेट में एक चीज तो भैया गलत का सपोर्ट सब करता है, आज के डेट में ये भेलपुड़िया ऐसे लोग को वहां रहने का अधिकार है, भाई गोरखपुर सिटी जो कि महात्माओं का जगह है, भगवान का जगह है, वो जगह पे हरामजादी टाइप की कर रही है, अब हम गाड़ी देंगे तो लोग कहेगा कि महिला का तो ट्रोल कर रहा है, तो बाल उखाड़ लगा तुम, पिछला बार किए थे ना मुंह में थूक दिए थे, मुंह भी दिए थे, क्या कर लिया हमरा कुछ उखाड़ लिया कुछ नहीं, केस हुआ हमरा पे बेल ले लिए हम, और बाद इसको देखिए मतलब कि भागे भागे पे नौबत आ गई, दौड़ दौड़ के भाग रही थी, बच्चा का तबीयत अपने भी मरे मरे हो गई थी, समीर चौधरी हमको रेल दिया है, गाना गाई थी हमरा पे, समीर बाबू ये गाना आप खातिर, भेलपुड़िया भाजी वो गाना तोरे खातिर, आ जिला नवादा पटनवा में प्रचार हो गए भाजी, रेल दिल कहू समीर चौधरी बीमार हो गए भाजी, तो जान के इसके लिए हम गाना गाए थे, क्योंकि समाज में भैया ये लोग उग्र मचा रहे हैं, आज गोरखपुर में जिस तरह से वहां के लोगों को जैसे देखना पड़ रहा है, कोई भी महिला अगर जाती है तो लोग को लगता है कि अगर यूट्यूबर है तो अगर गोरखपुरी साबित करता है, क्योंकि गोरखपुर के जगह को मैंने छी छी कर दिया है, घिना दिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जवाब नहीं हुआ मेरा, जो मेरा सवाल है आप अपशब्द भी नहीं बोल सकते, काफी अपशब्द उसको बोल रहे हैं, आखिर अपशब्द मत बोलिए, अपनी बात को रखिए, अरे बाबा बाबा नहीं नहीं हम ऐसे कर ही नहीं सकते, जो जैसा वो तैसा, इसके लिए तो हम थोड़ा सा भी अपशब्द अभी जो बोले है ना ये बहुत कम है, पिछला बार जो किए थे ना वो थोड़ा सा सही था, लेकिन अब ये हद जो पार किए है ना, अब हद हम लोग अगर पार करेंगे, ये हमारे चैनल पर रिपोर्ट मारी थी बाबा, हमको गुस्सा ऐसे नहीं भरा हुआ, हमको गुस्सा भराने का काम किया गया, ये हमारे चैनल एक्टर समीर चौधरी यूट्यूब पे हमारी रिपोर्ट मारी, कहा हो गलो रिपोर्ट मारे से चैनल बंद हो गए, अरे बाबू 1 लाख आओ सब्सक्राइबर बढ़ गए, कम से कम इस सबको समझ में आना चाहिए, जो कि समाज को दूषित कर रही है,
बहुत घटिया काम कर रही है। लेकिन बहुत सारे औरतें जाती हैं, अभी हम देखे थे कि गिफ्ट उफ्ट लेके सभी लोग गए थे जिनका स्ट्राइक आया हुआ था, सब स्ट्राइक हटवाती है, हेल्प करती है, बहुत सारे महिलाओं को ब्लॉगर को उन्होंने सपोर्ट करते है। आप अलग तरीके से बात रख रहे हैं। जितने भी महिलाएं हैं जो गोरखपुरिया भौजी से अलग सोचती हैं, अच्छा सब हैं, तो आप बाबा के चैनल पे जाइए, नंबर भी दिया हुआ है, आप बेझिझक कॉल कीजिए इनको और इनको दिखाइए आप लोग वीडियो के माध्यम से कि हाँ हम लोग गोरखपुरिया का सपोर्टर नहीं है। हाँ, बहुत से आपको अब महिलाएं फोन करेगी जो सभ्य महिला लोग हैं, उसके बाद देखिए सपोर्ट कैसे होता है। ये झूठ मूठ के बुलाती है अपने घर पे लोगों को, यूट्यूब चैनल के नाम पे चुतिया बनाती है, अपने यहाँ दाई नौकर का काम करवाती है, और तो और वो जो भड़ुआ है ना उसके साथ सोने के लिए भी मजबूर करती है। बाबा ये हम बोल रहे हैं, समीर चौधरी दावा ठोक के बोल रहा है, मेरे पास एविडेंस के बिना हम तो बात नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी महिलाएं बहन लोग है जो उसके यहाँ जाके प्रताड़ित होके तब आई है। अच्छा, आरती गई थी नौकरा ही, वो अच्छा है, वो अच्छी लड़की है, अपन बाप के मरवा दिलकई, माई के भेजवा दिलकई जेल, माने ये सब खत्म खत्म, लोग ही खत्मों का साथ देता है। लेकिन महादेव बताते हैं कि हमको यूट्यूब पे नहीं रहना है, तो वो बोलती है कि ठीक है नहीं रहेंगे, हमको कमा के दो सारा चीज। तो कटहल दिखा रहे थे, हम देखे थे वीडियो में कि कटहल देखा कि हम कटहल बेचते हैं कमा के खिलाएंगे। तो मतलब क्या ये लगता है कि ये सारे बकवास है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये व्यूज का खेल है कि क्या है ये सब व्यूज का खेल है। इसलिए कि आप लोग भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, तमाम लोग को बता दे रहे हैं, जितना भी आप इनका वीडियो देख रहे हैं सब भेलपुरिया के चैनल पे है, ओकर यूट्यूब ओकर फेसबुक पे है ना। अब ये जो न्यूज जो बन रहा है तो ये खास इनकरे चैनल पे जाएगा, समीर चौधरी के चैनल पे नहीं जाता। भैया हमको कमाना रहेगा तो हम अपने चैनल पे कमाएंगे। अरहा बात कटहर देखल की, वाह बड़का बात है, कटहर कोफ्ता है ना, कोफ्ता खाती है, खाएगी। अरे भैया बोलेगा हम केला कोफ्ता खिलाएंगे तुमको, कहां बतियार केला के कोफ्ता देते हैं हम। नहीं, कटहल बेचने के लिए रखे थे महादेव, बोल रहे हैं कि हमको यूट्यूब पे नहीं रहना है, हम वीडियो नहीं, मारपीट भी हो गया था इसीलिए। इसी बात मारपीट नहीं, सब ढोंग ढांग है, कटहर जो है सब लुच्चा है। कटहर से अच्छा हमारा से केला ले ले, सिंगापुरिया केला हो बड़का वाला, बोल में दुतार दर्जन दे दो, बेचे अपनो खाइए, मौगी के ज्यादा खिलाना। क्या की सब भड़ुआ गिरी कर रहे हैं लोग, समाज को गलत संदेश दे रहा। जितने भी यूट्यूबर आ रहे हैं ना समाज में, उन लोग को लगता है मेरा वीडियो नहीं चलेगा तो हम भी ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम भी बॉयफ्रेंड बना लेंगे चाहे ऐसे करेंगे, तो ये समाज अच्छे जगह नहीं जा रहा। ब्लॉगिंग का मतलब क्या, हम पहले भी बोले फिर बोल रहे हैं, अरे भैया हेलो दोस्तों, देखिए मेरी सास है, इनको हम पैर दबा रहे हैं, ये मेरे ससुर जी है, ये मेरा देवर, ये सब एक ब्लॉग वीडियो बोले। हेलो दोस्तों देखिए मेरा खेत है, यहाँ पे हम लाल साग लगाए हैं, कटहर नहीं लगाए हैं, केला भी नहीं लगाए हैं, लाल साग लगाए, ऐसा वीडियो बनेगा तो ना देखेगा आदमी, छिछा लेदर कर दिया एकदम। अभी हद पार करबो अब हम, याद रखिए, या तो तू सुधर जो ना तो तोर चैनल बंद कराने की ताकत रखता है समीर चौधरी। तमाम चौधरी आदमी सपोर्ट कर दे लियो ना हम लोग, तमाम अगर चौधरी एक हो गए अब मार देंगे ना पे रिपोर्ट, सब मिलके चल जाए हाथी के बिछवारा में। लेकिन एक राधा भी है, एक ट्रेस है, वो पहले गोरखपुरी है भौजी के साथ में रहती थी। आप देखे होंगे जब विष्णु की औरत जो एक्सपायर हुई थी उस टाइम ये लोग सभी लोग साथ में रहते थे। राधा हमको फोन की थी, राधा पे जब बाधा आया था ना तो हमको फोन की थी, एगो गुड़िया कोई थी जरा हम फाड़ दिए थे, मैंने बोले तो हम क्या बोले जाए, लोग को लगे हम गलत बात बोल रहे हैं, तो गुड़िया के हम फाड़ दिए थे और राधा के बाधा आ गया था, तो राधा फोन करके बोली कि हमको माफ कर दीजिए भैया, हमने चुप भैया तुम नहीं बोलेगी, तोरा नियन भड़ुआ नहीं है तुम लोग की तरह, तुम लोग गलत काम करती हो इसलिए तुम लोग हमको भैया नहीं बोलो, पूरा माफी भी मांगे थे क्योंकि उसके ऊपर भी हम लोग ने केस उस कर दिए थे। नहीं तो राधा मतलब कि उनके अगेंस्ट में वीडियो बना रही है कि हमको सब झूठी है, झूठ मुठ के सब प्लान किया है, गोरखपुरिया भौजी तो हार पे वीडियो बना, यही भेलपुरिया है जो हमारे नकली बहन बना के वीडियो बनवाती है, और ओकरे बगल के कुछ लोग जो है मेरे सपोर्ट में कहते हैं समीर भैया के बहन बन के झूठ मुठ के वीडियो बनवाया वगैरह वगैरह। तो ये इतना विवाद जो गोरखपुर में फैला हुआ है, जितने यूट्यूबर है, तो क्या ये व्यूज का सब खेल है कि ये विवाद हम करेंगे तो उसके बाद व्यूज चलेगा, वीडियो चलेगा, लोग देखेंगे, जो कि बता रहे हैं लोग, बहुत सारी चंदा भी बता रही है, एक चंदा गोरखपुरिया है वो भी बता रही है कि सब ये व्यूज का खेल है। नहीं तो जो ये झंझट है घर की बात है, घर में रहना चाहिए, यूट्यूब पे नहीं रहना चाहिए। सही बात है, लेकिन इसका घर का बात नहीं ना है, ये लोग घरे के बनेले है धंधा के दुकान, ये लोग घरे के बना दिया एकदम, मतलब देखिए दोस्तों ये मेरा घर है बन रहा ही है, हम जहाँ खड़ा ही है ना 52 बीघा का पुदीना है, समझ ली, चार बीता का मकान में घरे बना रही है, ओ में उछल उछल के दिखाती हो कि हम ही है, ऊ है, ढिमका है, कुछ भी नहीं है।
ये कुछ भी नहीं है, इसका गाड़ी भी जो है ना झंझर घटिया गाड़ी है, खरखर 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 बसता है। हम सब थोड़ा घरे गए थे, हम याद करो जब हम नेशनल हाईवे पे गए थे गोरखपुर, तो वहां से दो चार को दस को लेकर हम लोग गए थे गोरखपुर का ही लेकर सब गए थे एक घर, पता चला गेट में ताला मार के गायब हो गया। कहा है तो समीर चौधरी का इन्फॉर्मेशन पहले मिल गया इसको, तोरा घर से घींच के दांत झाड़ दे तो कल याद रखिए। आप लोग हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।